हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जॉब सीकर वीजा पे क्या अपडेट है और क्या मतलब अभी जो नए रूल्स आए वीजा रूल्स, तो उसका क्या है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि भाई जो जॉब सर्च करने दुबई या कोई भी मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां आना चाहते हैं तो क्या सही तरीका क्या है, क्योंकि लोग जॉब सर्च करने तो आ जाते हैं यहाँ पे दुबई हो गया कहीं भी, लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से क्या होता है उनका पैसे की भी वेस्टेज होती है, टाइम की वेस्टेज होती है और हाथ में कुछ नहीं आता। तो मैं वही चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा और कि जो है सही तरीका आखिर है क्या जॉब सर्च करने का, तो वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यार एक चीज और मैं लोगों से थैंक यू कहना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा, जो लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियोस को जो है इतना लाइक कर रहे हैं। जब यार मुझे कमेंट्स आते हैं, यकीन मानिए कि बड़ा अच्छा लगता है देख के कि लोगों को यार मेरी बोलने का तरीका अच्छा लग रहा है, कि मैं लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। लव फ्रॉम नेपाल, और कोई बोलता है लव फ्रॉम पाकिस्तान, तो यार बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि यार मेहनत बिल्कुल कामयाब हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार एक जगह आप रूम में बैठ के बोल रहे हो तो इसमें मेहनत क्या है, तो भाई मेहनत हर चीज में मेहनत है। मैं तो कहूंगा कि अभी वैसे क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है तो मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो उसके बाद क्योंकि मेरा फील्ड वर्क रहता है तो यार इतना थक जाता हूँ, तो यकीन मानिए मुझे पानी पीने तक का उठ के दिल नहीं करता पीने का। लेकिन आप लोगों के लिए जॉब सॉरी वीडियोज बनाता हूँ, तो जब आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो यार मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस टाइम भी रात के अभी 3 बजने वाले हैं रात के, आप टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, रात के 3 बजने वाले हैं तो मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ कि यार आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और ये कर दिया, तो यकीन मानिए दिल को एक लगता है कि यार हाँ यार कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और बड़ा मजा आता है। तो यार आपको वीडियो अगर मेरी पसंद आए करे बस ऐसे ही कमेंट कर दिया करिए, पूरी बात मत लिखिए, ओके भी लिख देंगे, नाइस भी लिख देंगे, तो यार मुझे लगेगा कि हाँ जो है मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं, कमेंट करते हैं, जैसे कि टॉप लिस्ट में वसीम भाई हैं, एम वसीम करके उनका नाम है, जो हमेशा मेरी वीडियो पे पहला कमेंट उनका होता है अस्सलाम वालेकुम शहरोज भाई, और ऐसे में ही बीच में तबीयत खराब हुई थी तो उस पर भी उन्होंने पूछा था। तो वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत, और भी लोग बहुत सारे जो है प्यार देते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यार बहुत लोग मेरा नंबर मांगते हैं कि आपका नंबर मिल जाएगा, तो यार मैं नंबर नहीं दे सकता, अगर मैं सबको दूंगा तो यार मैं वैसे ही फोन्स वगैरह अपने जो यहाँ के अपने रिश्तेदार लोग हैं उनके मैं ज़्यादा टच में नहीं रह पाता, तो फिर तो क्या ही होगा, तो समझ लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो मैं आगे की 10-15 वीडियोस में चेक करूंगा, जो मेरे रेगुलर रहते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल एक अपने स्पेशल सब्सक्राइबर्स के लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी रखूंगा कि मैं उनको अपना नंबर दूं ताकि हम व्हाट्सएप और जैसे भी कोई अर्जेंट मैटर है उस पर बात कर सकें। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को कमेंट किया करिए, लाइक करा करिए, मैं देखता ज़रूर हूँ अपनी वीडियो आप लोगों की कमेंट्स। तो चलिए ये तो हो गई सारी बातें, अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई सही तरीका क्या है जॉब सर्च करने का अगर आप दुबई आते हैं विजिट वीजे पे ये सब करके। तो मैं आपको आज ऐसा तरीके बताऊंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मेरी वीडियो ज़रूर लंबी होती हैं क्योंकि मेरा जो तरीका है एक्सप्लेन करने का वो थोड़ा सा मुझे यार शॉर्ट में समझाना नहीं आता बातें, कि मैं जल्दी जल्दी बोल दूं, तो मैं थोड़ा खींच के समझाता हूं, क्योंकि मेरी जो कोई भी मैं वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता। हाँ मैं पॉइंट्स ज़रूर लिखता हूं, मैं पूरे तैयार करता हूं, क्योंकि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ और सही प्रॉपर गाइड करूँ, तो मैं ज़रूर इसलिए थोड़ा टाइम लेता हूँ एक्सप्लेन करने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जॉब सर्च करने का सही तरीका क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले यार अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलूं, जब हम छोटे होते हैं, फॉर एग्जांपल 10th क्लास में, 5th, 6th, 7th क्लास में होते हैं, तो यार हमको बोला जाता है कि यार 10th कर लो फिर तो आगे मजे ही मजे हैं, ठीक है ना, कि 10th सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कर लो। फिर जब 10th हो जाती है तो फिर उसके बाद आता है आगे के ग्रेजुएशन कर लो या फिर कोई और फर्दर स्टडीज कर लो, वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे। तो हमारा पूरा टाइम ही ऐसे निकल जाता है।
कि यार अब जॉब हो गई, तो मतलब मैं मेरा कहने का मकसद है कि इंसान सेट होता कब है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि लोग कहते हैं कि यार सेट हो जाऊं, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंसान सेट कभी नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं कि मुझसे कहा जाता था कि यार 10th कर लो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर आगे के ये कर लो, बीटेक कर लो, ये कर लो, ऐसे करके जॉब, फिर जॉब क्या हो गया, तो ऐसे कर करके सेट हो जाओगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जॉब भी है, शादी भी हो गई है और माशाल्लाह सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से एक फीलिंग रहती है कि यार और अच्छी फर्दर जॉब अच्छी मिल जाए। तो इंसान कभी भी अपने को सेट महसूस नहीं करता कि सेट हो गया इंसान। इंसान सेट कब होता है, अगर रियलिटी की बात करी जाए, जब इंसान का लास्ट टाइम होता है, जब उसका इंतकाल होता है और जब वो कब्र में जाता है, तो उसका जब बोला जाता है कि इसका डायरेक्शन जो है किबले की तरफ कर दो, इसका मुंह किबले की तरफ। तो मेरे हिसाब से सेट होना वो होता है कि जब आपका लास्ट टाइम होता है। तो यार आप किसी भी इस टाइम कोई सी भी पोजीशन पे हो, आपके पास जॉब है जॉब नहीं है, तो यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। बस मैं तो कहता हूँ खुश रहो। खुश रहने का एक तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में वो ये है कि मैं यार किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, कि मैं मेरे हमेशा दूसरों से जीरो एक्सपेक्टेशन। अगर आप भी चाहते हो कि खुश रहो तो ना दूसरों से कभी एक्सपेक्टेशन मत रखना, और किसी भी पोजिशन पे हो आप, जाहिर सी बात है अगर मैं देखने लगूँ कि मुझसे ऊपर कोई है बंदा, ठीक है उसकी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी गाड़ी है, ये है, तो यार मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। आप हमेशा जो है अपने नीचे वालों को देखो, ठीक है ना, वो कैसे, तो आप अपने आप को लकी फील करोगे। चाहे जॉब नहीं है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको जरूर जॉब मिलेगी। रिस्क क्योंकि है, अल्लाह ने लिखा है, रिस्क ऐसे ढूंढता है इंसान को जैसे कि मौत आपको ढूंढती है। जब तक आपकी मौत नहीं आएगी, जब तक आपको आपके हक में जितना रिस्क लिखा हुआ है वो आपको ना मिल जाए, तो यार कभी भी टेंशन मत लेना। मेहनत करना, मेहनत अल्लाह ने बोली है मेहनत करने के लिए, तो वो आपको करना है इंशाल्लाह। बाकी आपको रिस्क की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब माँ के पेट में, एक एग्जाम्पल दूँ, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो उसको भी अल्लाह जो है उसके माँ के पेट में भी खाना पहुँचाता है। तो यार आप तो माशाल्लाह आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सब सही है, तो आपको क्यों नहीं देगा अल्लाह। बस मेहनत करने की जरूरत है, सब अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि जॉब कैसे सर्च करनी है। तो यार लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, तो यार लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि जॉब सर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो क्या होते हैं कि वीजा, विजिट वीजा निकलवा लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और फिर जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको पहले होमवर्क करना है, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी अक्टूबर एंड पे है, ठीक है, अगर आपको जॉब सर्च करने आना है, फॉर एग्जाम्पल आप फेब में आ रहे हैं, फॉर तो आपको जॉब की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी होगी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, कि यार जब आप जॉब सर्च करने आते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जब कोई भी अपनी कंट्री में होते हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, कोई भी कंट्री में है, तो आपको 2-3 महीने पहले ही जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप दुबई एग्जाम्पल लेते हैं कि आप दुबई जॉब सर्च के लिए आए, तो आपके यहाँ जितने भी जान पहचान के लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, जो भी आपकी जान पहचान दूर दूर तक के भी, आपके मामा के, नाना के, दादा के, साले के, भाई के, चचा के, सगे बहनोई साहब भी है ना, तो उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, ताकि आप, ऐसा ना हो कि जब आप दुबई आ जाएं तो उनसे कांटेक्ट करें, आपको पहले ही उनसे कांटेक्ट करना हो कि मैं ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ दुबई आने की, मुझे ऐसे ऐसे जॉब सर्च करना है, तो आप मेरी इसमें हेल्प करिएगा। वरना फिर लास्ट में क्या होता है, आप जब यहाँ आते हैं आपका टाइम निकल जाता है, उस टाइम आप कॉन्टैक्ट करते हैं, वो लोग कहते हैं यार हमें पहले बताया होता तो हम तुम्हारा कुछ करवाते। तो किसी को कहने का मौका मत छोड़िएगा, आप आने से पहले ही एक ग्रुप बना लीजिएगा ब्रॉडकास्ट, उसमें अपना रेज्यूमे सेंड कर दीजिएगा, ये सब हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो आपको पहले अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है, कौन कौन आपका फ्रेंड और जान पहचान का उस कंट्री में है, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है एक अच्छा सा अपना रेज्यूमे तैयार करिए दुबई के हिसाब से, मिडिल ईस्ट के हिसाब से, उसमें क्वालिफिकेशन डालिए, आपकी स्पेशल स्किल्स क्या है उसमें सब मेंशन करिए अच्छे से, आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप अपने रेज्यूमे का प्रिंट वहीं से करवा के लाएं, क्योंकि यहाँ पे इन सब का खर्चा ज्यादा है। प्रिंटिंग की यहाँ पे अगर बात करी जाए, एक पेज सॉरी, एक पेज की जो कॉस्ट आती है प्रिंटिंग की, वो 1 धरम आती है, मतलब 1 धरम अगर इंडिया के बात करें तो 21 से 22 धरम बनते हैं, पाकिस्तान की बात करें तो 40 रुपए का एक प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप वहीं से वो करवा के लाएं प्रिंट। तो आपको एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि रमजान के महीने में आपको यहाँ पे नहीं आना है जॉब सर्च के, वरना आपका वो महीना पूरा वेस्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रमजानों में हाफ डे हो जाता है और लोग मतलब उस मूड से भी नहीं होते। तो ठीक है, आप इस चीज का बहुत खास तरीके से ध्यान रखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं एक आपसे ऐसी एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूँ जिसको आप सुन के जो है काफी मोटिवेट होंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको
जॉब सर्च करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं कोई इसमें स्क्रिप्ट में बनाता नहीं हूँ, पॉइंट जरूर मैं लिख लेता हूँ, लेकिन बहुत सी मैं चीजें ऐसी डिस्कस करूंगा कि अगर आपने स्किप करी वीडियो तो आप हो सकता है कोई इन्फॉर्मेटिव पॉइंट जो है वो मिस कर जाएं। तो जब आप अपने कंट्री में ही हैं तो आपको 3 महीने पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है जॉब सर्च की, कैसे आपने अपना रेज्यूमे तैयार कर लिया और आपको कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपको ये जॉब क्यों चाहिए है, आप पहले कहाँ काम करते थे, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, तो ये सारी चीज़ें 4-5 क्वेश्चन जो कॉमन है आप वो सर्च कर सकते हो, उसके जवाब आपके पास रेडी होने चाहिए। आप खूब तैयारी करो यार, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने 10th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है या कोई भी बड़ी एजुकेशन ले रखी है, तो रिस्क देने वाला अल्लाह। आप इसकी टेंशन मत करो कि आपकी इंग्लिश कमजोर है या फिर सबको, यार यहाँ सब जॉब कर रहे हैं, लेबर भी जॉब कर रहा है, सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो इस उससे डीमोटिवेट मत होना कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। तो इंशाल्लाह जरूर जॉब मिलेगी, बस आपकी मेहनत और सही तरीके से आपको जॉब सर्च करनी है, इंशाल्लाह आपको जरूर जॉब मिलेगी। ठीक है, तो अब आती है बात, आपके रेज्यूमे हो गया तैयार, आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली, यहाँ आके मत करिएगा, वहीं से इंटरव्यू की तैयारी करके आइएगा, सारे क्वेश्चन जो हैं वो। ठीक है, कौन सी कंपनीज आपसे रिलेटेड हैं, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है आपको वो कंपनी, इस टाइम तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करें आपसे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी दुबई में है, आप उनके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे भी जो है ऑप्शन होता है, उनका जॉब पोर्टल होता है, तो वहाँ आप जाके अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है, याद से आपके जो भी दोस्त हैं उनको पहले से ही बता देना है कि हम यहाँ जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, ताकि वो लोग भी अपने रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे बहुत काम आता है, उसके थ्रू बहुत जॉब लगती है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी आपको प्रिंट करवा के लाना है अपने रेज्यूमे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महंगा है। ठीक है, और बाकी जो वेबसाइट्स हैं मैं बता दूंगा जॉब की, जैसे कि यहाँ पे एक नौकरी गल्फ हो गई, इंडीड हो गई, डूबिजिल हो गई, beth.com है, ये मैं सारी जो वेबसाइट्स हैं इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई वॉन्ट टू वर्क एक एप्लीकेशन है, लिंक्डइन बहुत अच्छा इसका सोर्स है जॉब के लिए, आप लिंक्डइन पे जाएं, अपनी जो भी कंपनीज हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे जाके देखें, वहाँ काफ़ी जॉब निकलती रहती हैं, और उस कंपनी पे जाके देखें वहाँ कौन एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें पता चल जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी से, उसमें दिखाता है क्योंकि कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, आप अपना पहले तो अकाउंट बनाएं वहाँ पे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी से होगा वो उसमें शो करेगा कि ये आपकी यूनिवर्सिटी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे ऐसे ऐसे जॉब सर्च कर रहा हूं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। न्यूज़पेपर हो गई, यहाँ पे जो आप फेसबुक टिकटॉक चलाते हैं यार, उसको काम के लिए यूज करें, वहां पे भी जो है जॉब के पेजेस होते हैं, आप वहां पे अपना उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको अपडेट मिलती रहेगी कि यहाँ पे जैसे कि वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो आप आने से पहले आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि यार बस आके आपको जो है कर देना है, पहले दिन से ही इंशाल्लाह आपका टारगेट रहे कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही अपने हाथ में जॉब ले लें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना ही चाहिए होगा, 2 महीना जॉब मिलने, ऐसा नहीं है, आप चाहें अगर प्रॉपर तैयारी करके आए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको 1 हफ्ते के अंदर भी जॉब मिल सकती है। तो बहुत सी कंसल्टेंसीज भी होती हैं जो आपकी जॉब लगवाती हैं, मैंने यहाँ बहुत सी फेक देखी हैं, लोग पैसा दे देते हैं, इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप ऑफर लेटर अगर आपको मिलता है तो आप कैसे पता लगाएं कि वो फेक है या रियल है। ठीक है ना, तो इस पर भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। तो इस पर जो लोग पैसे लेते हैं, आप कंसल्टेंसी से कहें कि भाई पैसे हम जब ही देंगे जब हमारी जॉब कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसका बहुत लोचा है, इस पर मैं एक बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद आती है कि आपने वहाँ से तो ये तैयारियाँ कर ली, ठीक है ना, आपने जॉब की इंटरव्यू की तैयारी कर ली, अपना रेज्यूमे वो कर लिया, लोगों से जो जो आपके लिस्ट बना ली, कंपनीज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पे आपसे जॉब के प्रोफाइल से रिलेटेड है, उनके एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि जब आप यहाँ आए तो वो विजिट कर सकें, तो आपका टाइम बच जाए। ठीक है, और जब आप यहाँ दुबई आ जाते हैं तो यकीन मानिए आप दिमाग से ये निकाल दिएगा कि यार आप दुबई आ रहे हैं, जब दुबई आप नाम सुनते हैं ना तो आपके दिमाग में आता है बुर्ज खलीफा, मॉल्स, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर, यार ये सब आपको बिल्कुल आपके दिमाग में लाना भी नहीं है, आपको सबसे पहले आपकी जॉब होनी चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, आपका टारगेट ये होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आएँ और अपने किसी दोस्त से मिलें या रूममेट से जब आप मिलेंगे, ठीक है ना, तो आपके पास आपकी आंखों में उनको वो दिखना चाहिए कि हाँ यार ये जॉब के लिए आया। अगर आपने उससे बात करी कि यार इस वीकेंड जो है कहीं दुबई
दुबई मॉल चलते हैं, बुर्ज खलीफा, तो यार वो समझ जाएगा कि यार ये बंदा सीरियस नहीं है, ठीक है। इंसान यहाँ पे उसी की, क्योंकि यहाँ पे बहुत, क्योंकि फास्ट लाइफ है, बहुत ही एक मैं कहूँगा मोटर वाली लाइफ है, एकदम भागती दौड़ती जिंदगी है, किसी के पास यहाँ पे टाइम नहीं होता। तो यार अगर आप उससे घूमने फिरने की बात करेंगे तो वो फिर आपको सही से टाइम नहीं देगा, सही से एडवाइस नहीं करेगा। तो आप उससे जॉब की बात करें और जॉब सर्च करने ही के ही मकसद से आएं तो आपको इंशाल्लाह जरूर जॉब मिलेगी। जब आप पहले दिन आते हैं तो उसी दिन से आपको जो है अपने लग जाना है चीज़ों पे। मैं घर आपको अगर यहाँ पे बेड स्पेस चाहिए, ये सारी इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप मेरा चैनल जाके देख सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा यहाँ पे 1 महीने का या 3 महीने का, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आप जब यहाँ आ जाते हैं तो आपके पास जो कंपनीज की लिस्ट होगी फिर आप उसको जाके विजिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस उन्हें पहले दी जाती है, प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है आप अगर अपनी कंट्री में ही बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान, वहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब ऑफर मिल जाए। आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चांसेस कम होते हैं। जब आप यहाँ आते हैं क्योंकि कंपनी को लगता है कि हाँ यार बंदा यहाँ मौजूद है और फॉरन ज्वाइन कर लेगा, तो ये लोग प्रियोरिटी पहले उसे देते हैं। तो आप जब यहाँ आते हैं फिर अपने रेफरेंस जो भी आपके दोस्त यार हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, प्लस कंपनीज विजिट करें, अपने जो वेब पोर्टल है जॉब के साइट्स के उसको मतलब सर्च करें, सारी वॉक इन इंटरव्यू चलें, हर इंटरव्यू अटेंड करें। तो यार इस तरह से आपको बिल्कुल एक प्लानिंग की तरीके से आपको काम करना है और इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि यार जब आप जॉब के लिए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी फील्ड पे हैं, कोई भी जॉब प्रोफाइल में, यहाँ पे क्या होता है सबसे बड़ी बात लोग जो मिस कर जाते हैं, ठीक है ना, ये की पॉइंट है काफ़ी, कि आप फॉर एग्जाम्पल मान लें इंजीनियर हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 3 महीने जॉब के लिए आए और आपको जॉब नहीं मिली और वापस चले गए, आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना टाइम खर्च किया। यहाँ पे कुछ इजी जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ जो होती हैं, यार आप बस पहले एक बार घुस जाओ यहाँ पे मार्केट में ना, फिर इंशाल्लाह आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे बैंक की जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की जॉब्स होती हैं वो बहुत इजीली मिल जाती हैं। यहाँ पे जो 3300 सिम कार्ड, ये डू 3300 के जो सिम कार्ड्स होते हैं इन पे बड़ी जॉब इजीली मिल जाती हैं। तो यार आप इसको कुछ टाइम के लिए करो, उस बीच में मैं अपने जॉब भी सर्च करते रहो आप लोग, तो ये आपको हेल्प करेगी आगे फर्दर जॉब मिलने में, ठीक है ना। तो आप इजली वाली जॉब ले सकते हो अगर आपको कहीं से कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है और आप फाल इतना पैसा खर्च करके आए हो जा रहे हो, तो आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो कि क्रेडिट कार्ड या सिम कार्ड वाली जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले दिन से ही आपको जॉब की तलाश शुरू कर देनी, क्योंकि यार टाइम जो है ना यहाँ पे पानी की तरह गुजरता है। आप लोगों के 3 महीने के लिए विजिट वीजा पे आते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि 3 महीने बाद भी वो लोग एक्सटेंड करवाते हैं वीजा क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिली होती। तो यार आप ये मत सोचना कि शुरू के 1-2 हफ्ते में घूमूंगा फिर जॉब सर्च, नहीं, आपको शुरू पहले दिन से ही जॉब सर्च करने में लग जाना है। और यार यकीन मानिए कि यहाँ पे बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि इस टाइम हालात खराब हैं, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में ही जॉब के इशूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रही, यहाँ पे जॉब लोगों को मिल रही है। और ऐसा भी है कि लोग बिना जॉब लिए यहाँ से जा रहे हैं, तो सारी डिपेंड करता है आपके लक पे, आपकी मेहनत पे। और मैंने जैसे कहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यार एक बंदा है जिसे मैं जानता हूँ बहुत, उसका जॉब का कैसा उसे मिली थी, तो मैं बताता हूँ कि लास्ट में यार उसका मतलब एक उसने जॉब चेंज करी थी, ठीक है ना। तो उसने क्या हुआ था कि बड़ा जॉब मतलब चली गई थी उसकी कोविड के टाइम पे, उसके बाद उसे जो है जॉब इंटरव्यूज वगैरह दिया था नहीं हो पा रहे थे क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या उसने बताया मुझे, जो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार रात के टाइम उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, ठीक है। और तहज्जुद का कहा जाता है कि अगर आप रात में अल्लाह को याद करो, ऐसा तो नहीं है हर टाइम अल्लाह सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला जो है बहुत बड़ा है, मालिक है हम सब लोगों का, तो वो हर टाइम ही सुनते हैं, लेकिन रात का जो तहज्जुद का टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। उस टाइम जो है नमाज पढ़ो और आपके अगर आंसू निकल आते हैं तो समझ लो ये एक निशानी होती है कि आपकी दुआ कबूल हो गई। तो उसने रात को जॉब के लिए दुआ मांगी और यकीन मानिए सुबह उसकी इंटरव्यू कॉल आई है और उसी दिन ही जॉब का उसको कंफर्मेशन मिला है। तो वो जो बंदा है वो और कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ। मैं अभी की कुछ टाइम पहले मैंने अपनी जॉब चेंज करी है, ठीक है। तो मेरे साथ यही हुआ था कि कोविड के टाइम पे जो है सैलरियाँ डिडक्ट हो रही थी, कम हो रही थी, तो मैंने उस टाइम जॉब चेंज करी थी और
यकीन मानिए मुझे जो है, मैंने बस उस टाइम हम सोचते क्या है पता है, हम लोगों से उम्मीद लगाने लगते हैं कि यार वो हमारी जॉब करवा देगा, ये करवा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाला हमारा मालिक बैठा है ना, उससे आप अपने दिल की बात करिए और नमाजों इन सब का ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आपका ज़रूर काम बनेगा यार। नमाजों पर ज़रूर ध्यान दिए, और तहज्जुद की नमाज स्पेशली बहुत ही स्पेशल होती है, उसमें आप दिल से दुआ मांगें तो आपका ज़रूर, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो यार आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सुबह मुझे इंटरव्यू कॉल आया, मैंने दोपहर में जाके अटेंड किया और मेरे उसी एक घंटे के अंदर जॉब कंफर्म हो गई, और मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए थे, सारी जॉब में मेरा माशाल्लाह हुआ था। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो यार आप लोग भी इस चीज पे जो है देखें, इसको करके इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूंगा। अगर यार चैनल लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो लोग सर्च करने आना चाहते हैं जॉब, और आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दिया करिए तो यार और मोटिवेशन मिलता है तो मज़ा आता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो आपको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। तो बस यही थी यार, अल्लाह से ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोगों को जहाँ भी जैसी भी जो भी तकलीफ में है, परेशानी में है, वो सारी दूर हो जाएं, और जो भी आप अपनी जायज़ तमन्नाएं आपकी वो पूरी हों। तो यार मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।